राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश कर चुकी है। यात्रा को शुरू करने से पहले बुधवार सुबह राहुल गांधी ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। इस दौरान राहुल गांधी बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। कांग्रेस नेता ने व्हाइट टी शर्ट के साथ पगड़ी पहनी हुई थी। इसी के साथ उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राहुल के साथ पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले राहुल ने हरियाणा के अंबाला जिले में यात्रा के चरण समापन के बाद अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भी मत्था टेका था। वही यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल ने पंजाब की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये यात्रा देश के सबसे बड़े मुद्दों, नफरत, बेरोजगारी और महंगाई को उठाने और उनके खिलाफ लड़ने के लिए है। उन्होंने कहा कि यात्रा बोलने के लिए नहीं बल्कि लोगों की समस्याएं सुनने की है। जो भी आए उसे सुने, उठाए गए मुद्दों पर संक्षेप में विचार रखे। हम सुबह जल्दी उठकर चलना शुरू करते हैं और शाम तक हम लोगों से मिलते हैं और उनके मुद्दों को सुनते हैं ताकि जनता अपनी बात कर सके। बीजेपी के लोग केवल डर और हिंसा फैला रहे हैं। ये हमारे देश का इतिहास नहीं है, हमारा देश भाईचारे का है, इसलिए हमारी ये यात्रा सफल हो रही है। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है, और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। गौरतलब है कि कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यात्रा 30 जनवरी तक श्रीनगर में पहुंचने पर समाप्त होगी, जहां राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये पदयात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजर चुकी है। बहरहाल सितंबर से शुरू हुई यात्रा में राहुल लगातार बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी राहुल पर पलटवार कर रही है। खैर, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका राहुल के संदाज के बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।